माय चैनल ट्रैवल एंड गैजेट एक्सप्लोरर। मैंने रेनबर्ग कंपनी का मैनुअल फूड प्रोसेसर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। ये वीडियो उसी के बारे में, सो हम अभी इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। ये देखो बॉक्स के अंदर एक बॉक्स है, छोटा बॉक्स है, इसके अंदर ये फूड प्रोसेसर है, मैनुअल फूड प्रोसेसर है ये रेनबर्ग कंपनी का। ठीक है, मैं अभी इसे भी ओपन करती हूँ। इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इसका, कैसा यूज करना है। इसके अलग अलग पार्ट्स है, रोटेटिंग हैंडल है, एक सेपरेटर है इसमें, लीड, चॉपिंग नाइव्स, पिस्क, सलाद स्पिनर है इसमें, हैंडल, बॉल, स्प्राउट प्लग है। देखिए ऐसा सब कुछ दिया है यहाँ पे। इसमें पूरी प्रोसीजर दी है। यहाँ पे आपको एक एक अभी इसका ये दिखाती हूँ, पार्ट्स अलग अलग हैं इसमें, अलग अलग पार्ट में ये ब्लेड है इसका। मैंने भी सब कुछ बाहर निकाल लिया बॉक्स के। काफी अच्छी क्वालिटी का है ये प्लास्टिक, काफी अच्छा है इसका। ये लेड है इसका। इसको जॉइंट कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। ये एक सेपरेटर है, मैंने अभी लीड से ये हैंडल जॉइंट कर लिया है। ये हैंडल ऐसे ही जॉइंट होता है, सिंपली ऐसे निकलता है ये हैंडल, लाइकवाइज ऐसे सीधे ही सिंपली जॉइंट हो जाता है। देखिए जॉइंट हो गया ये हैंडल। ओके, देन हम देखेंगे पहले ब्लेड्स कैसे फिटिंग करते हैं इसकी। बहुत शार्प है, सो बी केयरफुल अबाउट दी ब्लेड्स। सिंपली ऐसे रख देना है इसको, सिंपली ऐसे यहाँ पे प्लेस कर देना है। अगर आपको सलाद स्पिन करना हो तो ब्लेड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये चॉपिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, और ये जो है ये यहाँ पे फिट करना है इस होल में। और लीड को लॉक कर लेना है ठीक से। ठीक है, देखिए ये फिट हो गया। देन आप इसमें कुछ भी यानी कट कर सकते हो। अब ये हैंडल इसे रोटेट करना, देखिए रोटेट हो रहा है। ओके, अब सिंपली इसे ओपन करते समय एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसे वो निकाल लेना है सिंपल। देन अगर आपको एक को विप्स को अगर इसमें एक विप्स करना है तो उसके लिए ये यूज होगा। ये आपको फिट करना है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, देन उसके बाद ये लेड को फिट करना है, क्लॉकवाइज करके इसको लेड को फिट कर लेना है। और एक सेपरेटर है यहाँ पे, एक योग सेपरेटर है, ये फिट करके यहाँ से एक ब्रेक करना है, एक योग यहाँ पे आ जाएगा। और फिर बाकी आप एक वाइड मिक्स कर सकते हो ऐसे। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, देखिए अभी हो गया हमारा एक सेपरेटर का, एक मिक्स कैसे करते हैं। अभी हम सलाद का देखेंगे। अभी हम सलाद के लिए क्या होता है यूज, सलाद स्पिन के लिए वो देखेंगे। इसको यहाँ पे फिट करना है
सिंपली यहाँ पे सलाद डाल देना है इसके अंदर। लेड आपको क्लॉकवाइज फिट कर लेना है ऐसे, देन इसको रोटेट करना है। सिंपली हैंडल दिया है, हैंडल पकड़ के सलाद आपका पूरा ये हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज इसको निकाल के लेड को आप सलाद एंजॉय कर सकते हो। बहुत सिंपल एंड बहुत ही इफेक्टिव है ये चॉपर। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे ये चॉपर कैसे इफेक्टिवली वर्क करता है। इसके लिए मैंने थोड़े से ओनियन कट करके ले लिए हैं। आपको अगर कुछ भी यहाँ पे चॉप करना हो तो थोड़ा सा आपको इसको कट करना ही होगा, जैसे टमाटो है या ककड़ी है या फिर अदर कुछ चीज़ें हैं, वो आपको कट करके ही इस फूड प्रोसेसर में आपको डालनी होगी, अदरवाइज ये कट अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे। अभी मैंने डाल लिया है इसमें ओनियन। ठीक है, अभी लीड इसका क्लोज कर लेती हूँ मैं, इसको क्लॉकवाइज करके लॉक कर लेना है लीड को। देन अभी देखेंगे, देखिए आप देख सकते हो ये चॉप हो रहा है अच्छे से, फाइनली चॉप हो रहा है। वाह, मेरे किचन में तो नंबर वन पे रहेगा ये चॉपर, बिकॉज हम ऑनियन को काटते समय बहुत ही होते बहुत तकलीफ होती। सो देखिए, फाइनली चॉप्ड हो गया ऑनियन विद इन अ सेकेंड्स। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अभी देखिए, फाइनली चॉप्ड ऑनियन। मुझे इस रेनबा फूड प्रोसेसर में मुझे इसकी जो क्वालिटी है प्लास्टिक की बहुत अच्छी लगी। मटेरियल काफ़ी अच्छा है इसका, रफ एंड टफ मटेरियल है और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है ये सिंपली। और उसके बाद इसमें जो एक्सेसरीज दी गई है अलग अलग, चॉपिंग के लिए अलग है, यहाँ पे सलाद स्पिन करने के लिए अलग है, एग विक्स करने के लिए अलग है, एग योक निकालने के लिए भी अलग है। ये भी बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ये फूड प्रोसेसर। और फ्रेंड्स, मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।